बिहार बोर्ड के द्वारा 10th स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। जो भी अपने रिजल्ट से असंतुष्ट हैं या फिर एक दो नंबर के लिए आप फेल हुए हुए हैं, तो आप इस स्क्रूटनी या फिर कॉपी अपना रीचेक के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पर सब्जेक्ट आपसे ₹120 चार्ज लिए जाएंगे। एक सब्जेक्ट का ₹120, दूसरा सब्जेक्ट का आपको ₹240 यहाँ पर चार्ज लगने वाला है। सारी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कैसे आपको आवेदन करना है, चलिए पूरी प्रक्रिया आपको बताते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक। पहले दोस्तों आपको इस लिंक पर आ जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, लिंक के माध्यम से इस वेबसाइट पर आ जाना है। रजिस्टर वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपना रोल कोड रोल नंबर फिलअप करना है। जो भी यहाँ पर आपके मार्कशीट पर दिया हुआ है वही रोल कोड आपको फिलअप करना है, वही रोल नंबर फिलअप करना है, डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करना है। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको ईयर आपको चूज करना है। ईयर चूज करने के बाद आपको यहाँ पर मंथ अपना चूज करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना डेट चूज करना है। अब यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड फिलअप करना है। पासवर्ड में आपको अल्फा न्यूमेरिकल पासवर्ड बना करके रजिस्टर वाले बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के लिए आपको यहाँ पर अपना रोल कोड रोल नंबर और पासवर्ड डाल करके आपको लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होते ही आपके सामने पूरा डिटेल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा स्कूटनी के लिए। सारा डिटेल आपको देख लेना है कि आप ही का है कि नहीं। अगर आपका है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका यहाँ पर हर सब्जेक्ट के नीचे यहाँ पर सामने वहाँ पर आपका प्रेजेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, आपका अटेंडेंस प्रेजेंट है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको जिसका भी आपको कॉपी रीचेक यानी स्कूटनी लिए आवेदन करना है उस पर आपको टिक लगाना है। जैसे कि दोस्तों आपको हिंदी के लिए करना है तो आप यहां पर हिंदी वाले टिक बॉक्स पर टिक लगाएंगे। अब इसी तरह से अगर दोस्तों आपको यहाँ पर हिंदी, जैसे हिंदी वाले बटन पर टिक लगाएगा आपका यहाँ पर फीस शो कर जाएगा ₹120। अगर आप एक और सब्जेक्ट ऐड करेंगे तो यहाँ पर ₹120 और ऐड हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर आप टिक हटाएंगे और जो भी आप सब्जेक्ट ऐड करेंगे पर सब्जेक्ट आपका ₹120 टिक बढ़ते जाएगा। यानी दोस्तों आपको जितना भी सब्जेक्ट चूज करना है पर सब्जेक्ट ₹120 के हिसाब से बढ़ेगा। तो मैंने यहाँ पर दो सब्जेक्ट को चूज किया है, सेव पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। सेव पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। अभी यहाँ पर दोस्तों आपको पेमेंट वाले पेज पर जाना है। पे वाले पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर पेमेंट पेज पर ऑटोमेटिक ले जा करके रिडायरेक्ट कर देगा। अभी यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिसके माध्यम से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर QR कोड के माध्यम से कर रहा हूँ पेमेंट यहाँ पर, जो कि हमारा ट्रांजेक्शन चार्ज के माध्यम से ₹251 हो चुके हैं। अब हमारे सामने QR कोड आ चुका है। अब इस QR कोड को हम अपने फ़ोनपे या फिर गूगल पे से स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद यहाँ पर अपना पिन डालेंगे। पिन डालने के बाद दोस्तों हमारा यहाँ पर ट्रांजेक्शन सक्सेस हो जाएगा। इस बीच में आपको कहीं भी कुछ भी नहीं करना है। जो पेज आपका ओपन है उसे वैसे ही आपको रखना है। आपको ना ही रिफ्रेश करना है ना ही कुछ करना है। जैसे यहाँ पर ट्रांजेक्शन सक्सेस हो जाएगा आपके सामने यहाँ पर ट्रांजेक्शन सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेस हो चुका है। अब यहाँ पर प्रिंट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, हमारा यहाँ पर देख सकते हैं पैड हो चुका है पेमेंट। अब यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इसे प्रिंट आउट निकाल करके रख लेना है। प्रिंट पर आपको क्लिक करना है। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन सक्सेस।